नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया लाइव। पेश है बुलेटिन संजवन। थाना नरही पुलिस ने भरौली बिहार की सीमा पर पिछले साल जाली नोटों के साथ कारोबारी को पकड़ा था। पकड़े गए तीन कारोबारियों पर एनएसए लगा दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने लगभग पौने 2 लाख रुपए के साथ भरौली गोलंबर से बीते 26 अक्टूबर को रकीब खां उर्फ आरजू निवासी बक्सर, शेषनाथ यादव निवासी कपूरी नारायणपुर और संजय यादव निवासी चचिया थाना नगरा को गिरफ्तार किया था। बच्चों के विवाद में तिल का ताड़ हो गया। इसमें पहली घटना बैरिया की है तो दूसरी गढ़वार की। सोमवार की शाम बैरिया के करमानपुर चट्टी पर बच्चों के विवाद में दो बच्चों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। इस वारदात में गंभीर रूप से घायल 20 वर्षीय आर्यन सिंह उर्फ कन्हैया सिंह का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं 35 वर्षीय संजय पांडे का इलाज CHC सोनवर्षा में कराया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने के मौके पर पहुंचते ही दोनों पक्ष के लोग भाग खड़े हुए। SHO संजय त्रिपाठी ने मीडिया को बताया है कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है, FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ मोबाइल पर अश्लील गाने बजाने का विरोध करने पर दो युवकों के बीच मारपीट हो गई। खैर, मामला किसी तरह शांत हो गया तो अगले दिन गाना बजाने वाले युवक को विरोधी पक्ष ने पकड़कर पीट दिया। इसके बाद दोनों पक्षों से ईंट पत्थर चले और यह मामला गणवार थाना क्षेत्र के धनौती गांव का है। इस वारदात में एक पक्ष के सुभाष पासवान, लालजी पासवान, सुंदरी रीमा और दूसरे पक्ष के कपूर चंद्राम, धनेश्वर राम, विजय तथा सूरज राम घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज रत्सड़ अस्पताल में हुआ। हालांकि हालत ज़्यादा गंभीर होने पर सुभाष पासवान और लालजी पासवान को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कई बार भ्रष्टाचार की शिकायत अधिकारियों से किया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से क्षुब्ध मिथिलेश ठाकुर ने मंगलवार को DM कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। मिथिलेश ठाकुर ने मीडिया को बताया कि बैरिया के नौरंगा गांव में हुए कार्यों की जांच की मांग को लेकर 3 साल से वह DM कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। चोरों ने शिवलिंग पर लगे चांदी का नाग और बगल में स्थित माँ दुर्गा की प्रतिमा पर लगे चांदी के मुकुट और नथिया पर हाथ साफ कर दिया। गढ़वार थाना क्षेत्र के धनौती गांव स्थित प्राचीन धनेश्वर नाथ धाम मंदिर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुजारी चेतन दास ने मामले की जानकारी स्थानीय लोगों और पुलिस को दी है। मंगलवार की सुबह अचानक मौसम ने यूटर्न ले लिया। अचानक गरज और तड़क के साथ हुई बारिश ने लोगों को ठंड का एहसास कराया। आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम के इस पैतरे से चना, मसूर और आलू की खेती करने वाले किसानों के माथे पर बल पड़ गए हैं। उधर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घुटराम की 42 वर्षीय पत्नी प्रभावती देवी ने दम तोड़ दिया। बारिश की आशंका के मद्देनजर विवाहिता घर से बाहर रखे गोईठे उठाने गई थी। गढ़वार थाना क्षेत्र के चवरी गांव में मंगलवार की सुबह यह हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे दुकान और मकान में घुस गया। आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर खलासी को निकालकर CHC रसड़ा पहुंचाया। रसड़ा नगरा मार्ग पर छितौनी गांव के पास यह मंगलवार की तड़के यह हादसा हुआ। इसी क्रम में हमारे संवाददाता रविशंकर पांडे ने बताया कि बांसडीह के राजपुर गांव के पास सोमवार की शाम हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल चौथे युवक अखिलेश की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। एक साथ 4 मौतों से साहोडी गांव में सन्नाटा पसर गया है। युवक के चाचा संजय राजभर की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी सिकंदरपुर इकाई के कार्यकर्ताओं की बैठक मंगलवार को डाक बंगला में हुई। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने बताया कि इसमें 29 फरवरी को सिकंदरपुर आ रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के स्वागत की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर पूर्व मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का 29 फरवरी को ऐतिहासिक स्वागत होगा। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।